गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ स्टडी इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। एज द टर्म सेज दैट इट इज कॉल्ड एज नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। Glomerulonephritis term is also called as nephritic syndrome. Now we will see the pathophysiology of the disease. The glomerulonephritis, acute glomerulonephritis ka jo main कारण है वो है बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पोस्ट इन्फेक्शस कॉज। पोस्ट इन्फेक्शस कॉज मीन्स द इन्फेक्शन विल बी ड्यू टू, जैसे मैंने रिमैटिक फीवर पढ़ाया था उसमें बताया था ग्रुप ए हीमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। ठीक है, अगर उसमें दैट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली विथ एंटीबायोटिक्स, तो फिर आगे जाके कुछ केसेस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो जाएगा। ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट होते ही वहाँ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जेनरेट हो जाएगा। जेनरेट होते ही जो ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गए एंड देन द जी एफ आर विल फॉल। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, द पोस्ट इन्फेक्शस कॉज। एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि ग्रुप ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चाइल्ड एज वेल एज एडल्ट। दूसरा, कोई भी एक्यूट वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ हो तो एक्यूट वायरल इन्फेक्शन जैसे मार्क्स है, जैसे चिकन पॉक्स है, एपस्टेन बार वायरस है, उसके जस्ट बाद उसके जो सीक्वल है ऑफ दैट इन्फेक्शन विल ऑल्सो कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन सम ऑफ द केसेस। तो ये जो पोस्ट इन्फेक्शस कॉज है दिस विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। या एक्यूट वायरल इन्फेक्शन दीज आर नॉट कॉजिंग एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो गया देन क्या चेंजेस आएगा मैं बताती हूँ। इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इम्यून रिस्पॉन्स से क्या होगा, देर इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। वो क्या करता है, इसे लेके डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुलस। इसकी जो नेक्स्ट स्टेप में मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं ये रब कर रही हूँ। यहाँ तक जो पैथोफिजियोलॉजी है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है दैट इज डिपॉजिटेड इन द ग्लोमेरुलस। इसके बाद क्या होता है वो आपको बता रही हूँ। इट विल कॉज ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस। ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद ग्लोमेरुलस में चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस इन ग्लोमेरुलस ये चेंजेस किस प्रकार से होंगे,
जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है दैट विल बी थिकेंड और द परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन विल बी इंक्रीज्ड. सो देर विल बी लीकेज ऑफ प्रोटीन्स. नॉर्मली क्या होता है, द प्रोटीन्स दीज आर नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द दीज आर नॉट एक्सक्रीटेड इन टू द फिल्ट्रेट. इसीलिए यूरिन में प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लीकेज ऑफ कैपिलरीज और आइदर देर इज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस. थिकनिंग के बाद क्या होगा, स्कारिंग ऑफ ग्लोमेरुलस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो स्कार टिश्यू बन सकता है. सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है, रिजल्ट विल बी डिक्रीज जीएमआर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विल बी रिड्यूस, दैट मीन्स यूरिन प्रोडक्शन विल बी वेरी लेस एंड सो द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर विल अपियर इन दीज टाइप ऑफ पेशेंट्स. सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस. इसके बाद नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्लासिक क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखने की जरूरत है, वो है फर्स्ट इज हेमाटूरिया. हेमाटूरिया इसलिए होता है बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी और इन्फ्लेमेशन. तो हेमाटूरिया में क्या होगा, यूरिन अपीयर ओला कलर. Urine is cola colored. Then there will be edema. Edema is due to either fluid retention, क्योंकि GFR fall हो रहा है, as well as मैंने कहा था कि capillary permeability is also increased. So there is proteinuria. Proteinuria के कारण भी edema हो रहा है, because less protein in the blood. Intravascular volume में अगर protein की मात्रा कम हो जाती है, then also person will experience edema. So the next is clinical feature will be proteinuria. Then azotemia. Azotemia means increased amount of nitrogenous waste products in the blood. That is azotemia because of decreased GFR. And hypertension. Hypertension is because of fluid retention, decreased GFR, edema. These are main clinical features of acute glomerulonephritis. Now in severe form, if the glomerulonephritis, acute glomerulonephritis is very serious. If it is very severe, then symptoms of heart failure, ये देखा जाता है. पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि इतना मैसिव एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा. देन फ्लूइड ओवरलोड के साइंस. फ्लूइड ओवरलोड के साइंस कैसे देखे जा सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को डिस्निया होगा. Crackles will be heard over the lungs, crackling sound. Then neck veins, engorged. Neck veins are engorged. So this is a severe form of acute glomerulonephritis. इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा fluid retention है. And also sign of severe hypertension, hypertensive encephalopathy of the body. Hypertensive encephalopathy is also there. So this is all about the clinical features of acute glomerulonephritis. Now we will see how we will do the diagnosis or assessment and diagnosis. In सभी patients में
यूरिन एनालिसिस किया जाता है, इवन पेशेंट इज सेइंग दैट द यूरिन इज कोला कलर्ड, देर इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन. अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे तो द बीपी विल बी रेज्ड. यूरिन एनालिसिस में क्या पता चलेगा, देर इज प्रोटीन यूरिया, कास्ट आर एक्सक्रीटेड. तो यूरिन एनालिसिस किया जाता है, उसमें आपको यूरिनरी कास्ट आर ऑल्सो सीन, कास्ट आर सीन व्हेन देर इज इंजरी टू द ग्लोमेरुलस. नाउ नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू दिस डायग्नोसिस. और भी प्रकार से किया जा सकता है, जैसे आरएमपी टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है. रीनल फंक्शन टेस्ट में वी विल सी दैट देर कैन बी रेज्ड अमाउंट ऑफ पोटेशियम, द क्रिएटिनिन वैल्यू विल बी इंक्रीज, द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीज. सो रीनल फंक्शन टेस्ट इज ऑल्सो द नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन. क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का? फर्स्ट इज हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी, दैट मीन्स हाइपरटेंशन इज कॉजिंग चेंजेस इन द ब्रेन. हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा. Glomerulonephritis is not treated properly, then it will progress into end stage renal disease, or it can progress into chronic glomerulonephritis. That means the disease will ultimately progress and all the nephrons will be lost. It means the function of the kidney will be permanently damaged. Let us now see the medical management of acute glomerulonephritis. The medical management is, aim of medical management is to treat the disease so that the kidney function is restored and to minimize the complications, or we have to also treat the complications. So aim of medical management is to preserve the kidney function or to restore the kidney function. How to achieve that thing? First, corticosteroids are given. Corticosteroids क्या करता है, जो immune response है उसको कम कर देता है. कम करते ही क्या होगा, antigen antibody complex से जो immune reaction हो रहा है जिसके कारण से the inflammation is generated, that will be reduced. The process of inflammation will be reduced. तो धीरे धीरे क्या होगा, the GFR will again will increase and the patient will recover. Then next, antihypertension, because क्या होता है, इन सब patients में hypertension, मैंने बताया था clinical features में कि hypertension is also one of the clinical symptom. Antihypertensives can be given also to prevent hypertensive encephalopathy in these patients. Then penicillin kab dete hain, agar cause hai, penicillin is given when the cause is post infectious, like due to beta hemolytic streptococcal infection. Agar residual beta hemolytic streptococcal infection hai to fir penicillin lambe time tak diya ja sakta hai patient ko, taki recurrent attack na. इसके बाद प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन किया जाता है इन सब पेशेंट्स में. सोडियम रेस्ट्रिक्शन किया जाता है बिकॉज पेशेंट हैज एडिमा एंड हाइपरटेंशन. इसी कारण से सोडियम इज रेस्ट्रिक्टेड, प्रोटीन इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ एजोटेनिया. व्हेन द एक्यूट कंडीशन रिजॉल्व्स तब जाके फिर से दिया जा सकता. नाउ कमिंग टू द नर्सिंग मैनेजमेंट,
नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट, मॉनिटर द पेशेंट रिगार्डिंग वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में आपको क्या देखना है, हाइपरटेंशन है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूरिन आउटपुट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू मेजर एग्जैक्टली द यूरिन आउटपुट सो दैट यू कैन मॉनिटर द GFR, whether the patient is recovering or not। Then diet restriction जो है वो आपको dietary management कर वो follow करना है। Dietary management में अभी जो बताया था कि protein is restricted, sodium is restricted, even potassium is also restricted, क्योंकि hyperkalemia acute renal failure जब भी GFR fall हो जाता है तो potassium is the value of potassium will be increased, तो इसी कारण से potassium को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन। बट द डाइट शुड बी रिच इन कैलोरी, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होना चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि अदरवाइज एनर्जी के लिए क्या होगा, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होने लगेगा, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होते ही क्या होगा, एजोटेमिया विल अगेन इंक्रीज। तो इसी कारण से टू प्रिवेंट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म वी हैव टू गिव हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट टू द पेशेंट। देन इन द एक्यूट फेज द पेशेंट इज एडवाइज फॉर बेड रेस्ट। देन यू हैव टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द डिजीज बिकॉज इट इज द ट्रीटमेंट विल टेक फॉर अ वेरी longer duration, so patient should understand about the dietary restriction, about fluid restriction, about the use of corticosteroids. So knowledge about the disease and follow up is important. All about acute glomerulonephritis. The next topic is chronic glomerulonephritis. Next one is chronic glomerulonephritis. Chronic glomerulonephritis, it will occur over months or years and the patient, the symptoms are not present. The patient will experience no symptoms. Ki achanak se they are been discovered when some proteinuria is there in the there is hypertension in the patients, and to diagnose hypertension then वी आर डूइंग द रिनल फंक्शन टेस्ट, तब जाके पता चलता है कि द पेशेंट हैज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच इज कॉजिंग हाइपरटेंशन टू द पेशेंट। सो कॉज ऑफ क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज फर्स्ट इज रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंड वन इज नेफ्रोस्क्लेरोसिस। वॉट इज नेफ्रोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ रीनल आर्टरीज, this is again causing less blood supply to the kidneys। then chronic tubular injury, this also causes chronic glomerulonephritis। then some of the systemic disease like SLE, like diabetes, nephrosclerosis, this also can cause chronic glomerulonephritis। so in this if we see the pathophysiology, if you see the pathophysiology, then the kidneys are actually reduced in size, it is shrunken to about 1/5 of size because, and the cortex is very shrunken, the surface of the kidney is very irregular, this is because of bands of fibrous tissue। recurrent
glomerulonephritis is causing recurrent inflammation and formation of bands of fibrous tissue inside the nephrons, and so there will be bands of fibrous tissue and the size of the kidney is reduced. Let us see the clinical picture. Here the clinical features are main hypertension, then next sign and symptoms of heart failure. You remember this. One is hypertension, second one is sign and symptoms of heart failure. Sign and symptoms of heart failure is also associated with respiratory symptoms like pulmonary edema, dyspnea, etc. for the patient. Then there is retinal hemorrhage because of chronic hypertension. Then there is crackling sound in the lungs. These patients ultimately progress into chronic renal failure. So these are the signs and symptoms of chronic glomerulonephritis. Now how to do the diagnosis? Diagnosis is done with the help of renal biopsy. In that only we will be able to find out the lesions which are formed inside the kidney. Then urine analysis is also done. Urine analysis, in that we will see proteinuria. Then urinary casts are also seen. Then again the blood test is also done, the renal function test. In that the potassium is raised. There is evidence of anemia. If we are doing complete blood count, anemia is also present because the kidneys are damaged, so there is less formation of erythropoietin and signs of anemia are present. So complete blood count will show anemia. Then the phosphate level will rise. In chronic renal failure also the same thing happened. Increased amount of phosphate, correspondingly decreased amount of calcium in the blood. Then in the diagnosis also you will see that the mental status has changed, it has altered. Chest x-ray is also done. Chest x-ray will show cardiomegaly. ECG changes are also seen. ECG is also done. Now the management includes, management will be same as that of chronic renal failure, almost same as that of chronic renal failure. In that we have to do sodium retention, sodium restriction. Potassium restriction, fluid restriction, high biologic value protein is given, antihypertensives are given. Then dialysis is also required if patient is showing sign of metabolic acidosis or if there is hyperkalemia. So this is all about chronic